दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे, यार काफ़ी टाइम हो गया तारक मेहता शो में कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस कोई भी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए नहीं आए, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्तों, हमने देखा है कि तारक मेहता शो काफ़ी फेमस सीरियल है, कॉमेडी सीरियल है और 10 साल से ज़्यादा चल रहा है और आए दिन नए एक्टर्स अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए आते रहते हैं, जैसे कि शाहरुख खान, सलमान खान। लेकिन दोस्तों, काफ़ी टाइम हो गया कि कोई भी फिल्म एक्टर्स अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए तारक मेहता शो में नहीं आए। तो गाइस, अब यहाँ पर हमें एक बॉलीवुड के एक्टर देखने को मिलेंगे तारक मेहता शो में, तो कौन है वो और क्या इरादे हैं उनके तारक मेहता शो में आने के, तो गाइस इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, तो देखते रहिए दोस्तों ये पूरी वीडियो। अभी तक भी आपने बॉलीवुड टॉक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे ही लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसके साथ बेल आइकन दोनों को जरूर प्रेस कर दें ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाएं। तो दोस्तों, आने वाली 28 दिसंबर यानी कि नेक्स्ट फ्राइडे को रिलीज हो रही है सिम्बा फिल्म। जी हां दोस्तों, रोहित शेट्टी की सिम्बा फिल्म। और सुनने में आया है कि रणवीर सिंह तारक मेहता शो के सेट को विजिट करने वाले हैं, तो गाइस हमें बहुत ही जल्द रणवीर सिंह तारक मेहता शो में दिखाई देंगे। तो गाइस, रणवीर सिंह हमें जहां पर भी दिखाई देते हैं, अगर आप मीडिया में देखते रहते हो कि यार रणवीर सिंह यहां है वहां है, तो यार रणवीर सिंह काफी एनर्जी के साथ दिखाई देते हैं हर जगह पर और कुछ ना कुछ फनी करते रहते हैं और उनके कपड़े पहनने का स्टाइल भी काफी फनी रहता है। तो गाइस, यहां पर देखना काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि जब रणवीर सिंह जेठालाल से मिलते हैं तो क्या एंटरटेनमेंट हमें देखने को मिलता है अपकमिंग तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एपिसोड में। दोस्तों, अभी तो फिलहाल सुरमा भाई की स्टोरी चल रही है, तो दोस्तों ये देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होगा कि सुरमा भाई की स्टोरी के क्लाइमैक्स से पहले रणवीर सिंह की एंट्री होती है या फिर सुरमा भाई की ये जो स्टोरी होती है ये पूरी होती है और उसी वक्त रणवीर सिंह की एंट्री होती है। क्योंकि इसका रीजन ये है, क्योंकि रणवीर सिंह की फिल्म सिम्बा बहुत ही जल्द रिलीज होने वाली है और अभी तक सुरमा भाई की स्टोरी चल रही है और यार आपको पता है यार कि तारक मेहता शो वाले कितनी लंबी स्टोरी खींच देते हैं। तो दोस्तों, इससे एक उम्मीद की किरण आ रही है कि यार जो ये सुरमा भाई की स्टोरी है वो आने वाले 3-4 एपिसोड में खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि फिर सिम्बा प्रमोशन के लिए रणवीर सिंह भी आएंगे तो 1-2 एपिसोड उसमें भी चले जाएंगे। तो गाइस, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आप रणवीर सिंह की एंट्री से हैप्पी है या नहीं, कुछ नया देखने को मिलेगा, किसी फिल्म का प्रमोशन देखने को मिलेगा काफी टाइम के बाद। तो गाइस, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। अभी तक भी आपने बॉलीवुड टॉक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे ही लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसके साथ बेल आइकन दोनों को जरूर प्रेस कर दे ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाए। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।